बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और सारा काम निमट चुका है किचन का। और देखिए, मैं ना अभी ना मैंने मंगाया था फेशियल क्रीम किट से, और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में बना रही थी ब्रेड रोल। पीछे बहुत शोर मच रहा है। चलिए मैं निकालती हूँ ब्रेड। अच्छा, मैंने ना ब्रेड की ना पुरानी ब्रेड है बची हुई, जो होती है ना ऊपर नीचे की ब्रेड, उन वाले ब्रेडों को मैं यूज करती हूँ नाश्ते के लिए। इस तरह की ब्रेड होती है ना ऊपर नीचे की ब्रेड, ये इस तरह की, इनसे ये ब्रेड रोल का नाश्ता मैं बनाऊँगी। तो ये कुछ तो मैंने पिट्ठी बना ली थी, और कुछ पिट्ठी मैंने आलू को भून के बना लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो में ना शुरू में शोर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए मेरी ना जॉइंट फैमिली है, और मेरी जो किचन है ये ओपन है, इसी वजह से तो इग्नोर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ना बेसन का मैंने घोल बनाया था, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जिससे कि थोड़ा स्टफ ना थोड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो ये बेसन का घोल बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बाद में ना ब्रेड को हम इसमें डिप करेंगे, और इसको मैं ऊपर रख देती हूँ हैंड टू हैंड किचन के अंदर, तो ये मतलब गंदा नहीं होगा बाहर से फिर। और देखिए ये बेसन का जो घोल मैंने रेडी किया है ना, ये मैंने 10 मिनट पहले रेडी करके रख दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और अभी मैं मतलब इसका बैटर ठीक से कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड, जॉइंट फैमिली में रहना ना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा सारी चीज़ें ना थोड़ी बहुत इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, इसी वजह से मैं किचन में ना बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। और देखिए ये जो है मतलब ब्रेड थी, जो मेरी लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है ना बची हुई ब्रेड, ऊपर नीचे की ब्रेड ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा के देते हैं आराम से, तो मैं क्या करूँगी इनको ना ब्रेड को मतलब ब्रेड रोल बनाऊँगी, तो एक नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा ये दोपहर के टाइम का, मॉर्निंग के टाइम का सॉरी। तो आज संडे था, तो बच्चों ने डिमांड की कि कुछ अच्छा सा बना लीजिए, बना लो मम्मी, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड रखी हुई, तो मैं इस तरह की ब्रेड ना कभी भी फेंकती नहीं हूँ। और देखिए मेड नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। मुझे लगाना तो पड़ेगा मेड को, क्योंकि देखिए बिना मेड के मेरा काम नहीं चल पाएगा, लेकिन ढूंढ रही हूँ कोई मिल जाएगी, तो सोच रही हूँ कि कोई मिल जाए। तो देखिए ये जो ब्रेड थी ना, मैंने उसको हाफ कट कर लिया, क्योंकि एक ब्रेड तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसको कट करने के बाद मैं इस तरह से पानी में डिप करूँगी और निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर आलू की जो स्टफिंग है, ये मैंने प्याज डाल के भूनी थी, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको प्याज पसंद है तो प्याज मत डालिए, अगर आपको टमाटर पसंद है टमाटर ऐड कर सकते हो, जो भी करना है। ऐड करने के बाद मैं इसको ऐसे भीजिए हाथ से, और एक रोल का शेप दे दीजिए, तो इस तरह से आपका ब्रेड रोल हो जाएगा रेडी। तो सेम प्रोसेस मैं दूसरे ब्रेड पे भी कर लूँगी, और एक एक करके बाकी के सारे ब्रेड में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये जो है ना, ये ट्रिक बहुत आसान है, मतलब करना बहुत इजी भी है, और बच्चों को ये पसंद भी आता है नाश्ता। तो देखिए हम इस तरीके से बना के अपने सारे ब्रेड रोल रख लेंगे। ब्रेड रोल रखने के बाद में सारे हम लोग रखेंगे गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई ये मेरी कल की ही है, मतलब रेडी, मतलब ऐसे ही रखा हुआ था तेल, कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो पकौड़ियों का तेल रखा हुआ था, तो मैंने उसी में ही ये बना लिया था सुबह का नाश्ता। तो मैंने क्या किया, इसको बेसन में डिप किया और इसके अंदर छोड़ दिया चम्मच से, हाथ नहीं किया मैंने, चम्मच से ही डिप करके इसको छोड़ दिया। तो बेसन का एक घोल ना पतली सी परत इसके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये मतलब अच्छे से डिप हो जाए। देखिए वैसे तो मैं डेली आप लोगों के साथ किचन की वीडियोस नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ कभी कभार जब मेरा मन करेगा कुछ अच्छा सा बनाने का खाने का, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। बाकी जितना भी पॉसिबल होगा मैं अपने काम की वीडियो आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए आप लोग जो मुझसे जुड़े हो मेरे काम की वजह से मुझसे जुड़े हो, तो आप लोग देखना भी वही चीज़ पसंद करोगे जो कि मेरे काम से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करूँगी, कुछ भी नया हो मेरी लाइफ में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को पसंद आए। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वारी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेड रोल हो गया था रेडी, और ये जो इस तरह की छलनी होती है ना, इसमें अगर हम इनको निकालते हैं तो इससे एक्स्ट्रा ऑयल बाहर नहीं आता है। इसे हमने सर्व किया केचप के साथ में, और बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से यही दोहरा। हमने नाश्ता कर लिया था, और मैं आई थी इधर रूम में अपना काम करने के लिए, और अभी मैंने ना कपड़े सुखा दिए थे। देखिए मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, डल डल सा, मतलब धूप निकल रही है, ऐसी हो रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो धूप तो थोड़ा ऐसे ही निकल रही है। और पड़ोस में ना काम चल रहा है, जिसकी वजह से क्या ना पूरी बालकनी गंदी हो रखी है मेरी, दिखाती हूँ मैं आपको।
देखिए ये ना बाजार में जो काम चल रहा है ना पड़ोस में, उसकी वजह से देखिए बालकनी कितनी गंदी हो रही है। अब कुछ कह भी नहीं सकते किसी को। मुझे बालकनी धोनी थी, वॉश करनी थी। चलो मैं ये वाला पानी है ना एसी का पानी है, मैं बाल्टी भर के रख दे, ये बाल्टी लगा देती हूँ एसी का पाइप के लिए यहाँ पे। ये ना बाल्टी लगा देती हूँ यहाँ पे, एसी का पानी टपकता रहता है यहाँ पे। देखिए अभी मैंने एसी ऑन कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। और अभी मैं करूँगी अपना काम। एक्चुअली मैं कहना कुछ ड्रेसेस बनी हुई रखी हैं जो कि ऑर्डर डिस्पैच होएगा, तो मैंने सोच चली उनकी ना वीडियो बना देती हूँ, एक दूसरे वाले चैनल के लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ वहाँ के लिए। तो ये जो भी ड्रेसेस रखी हुई ना, तो पीछे ये सारी ड्रेसेस रेडी में रखी हुई हैं, पर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ना बल्क ऑर्डर था। कुछ पगड़ियाँ हैं जो रेडी करी थी, बल्क ऑर्डर था वो मेरे को डिस्पैच करना है। और तो मैंने सोच रही उससे पहले ना आपके साथ दो मिनट बात कर लेती हूँ, अपनी वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो काम है, मैं अपना वही काम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरा काम है। मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे बिजनेस है या जो मेरा काम है। अगर आपको मेरे बिज़नेस से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरी वीडियोज़ में सिर्फ मैं दिखाई दूँगी आपको, ज़्यादा सनी दिखाई दे जाएगा, या फिर मेरी छोटी वाली डॉटर, बड़ी वाली डॉटर को आना वीडियो में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। हस्बैंड बाहर रहते हैं इसी वजह से हस्बैंड नहीं दिखाई देंगे आपको मेरी वीडियोस में ज़्यादा, और वैसे ही उनको वीडियोस वगैरह में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। और आप लोगों को कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है सबके साथ में, ठीक है। और बाकी मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो नीचे। तो आज शाम को मैं जाऊंगी हेयर कटिंग कराने के लिए सनी की, क्योंकि हेयर कटिंग कराऊंगी, सनी की भी कराऊंगी, लवी की भी कराऊंगी और अपनी भी कराऊंगी, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैंने भी अपनी हेयर कटिंग नहीं कराए हैं। और मेरे हेयर क्या ना, मेरे हेयर ना कर्ली हेयर हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं नीचे से कंघी करने में, और टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं बाल बहुत जल्दी जल्दी। तो अगर मैं इनकी टाइम टू टाइम कटिंग कराती रहती हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है, अदरवाइज़ फिर ये ना उलझ उलझ के टूटने लगते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे कर्ली हेयर्स है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कर्ली हेयर्स में ये सब। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और वीडियो अगर अच्छी हो लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।